आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एमएड प्रेस परीक्षा 2021 के लिए जो आपका हिंदी का पोर्शन लेकर आया है, जिसमें आपके सभी चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो का जो PDF लिंक है, मैं इसको जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इससे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम सुनील कुमार है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ, जेवी जैन इंटर कॉलेज से एमएड कर रहा हूँ। ये हमारे क्वालिफिकेशन है, देख लीजिए। इंटर हमारी जो है 4 टाइम्स है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट और टेक्निकल आर्ट, सभी से हमने इंटरमीडिएट किया है, BA RArt किया है, BSc PCM, MSc मैथमेटिक्स, MA एजुकेशन, MA इकोनॉमिक्स, MEd जो है प्रोसेसिंग में है, IGD बॉम्बे ए ग्रेड, CTET 8 टाइम्स क्वालिफाई, UPTET 4 टाइम्स क्वालिफाई, उत्तराखंड टेट क्वालिफाई, HTET क्वालिफाई और UPTGT मैथ्स क्वालिफाई। लेकिन किसी कारण जो है मेरिट में रह गए, 5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। यदि हमारा एमएड होता तो हो जाता, क्योंकि आपको पता है एमएड के 10 मार्क्स जो है TGT में ऐड होता है। तो इसलिए हमने जो है एमएड करने का इस बार इरादा बनाया है। और हमने एक छोटा सा स्कूल चला रखा है अपने ही गांव में, वहाँ पर टीचिंग करते। तो देखिए, इसमें आपका जो है हिंदी का जो है सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आप इसका जो है PDF लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सभी चैप्टर है आपके पास थ्योरी के साथ, नीचे आंसर की है। आप इतना कर लीजिए, आपके लिए NF है हिंदी के लिए। आपको इसमें से सभी कुछ मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आना है। इसका जो है PDF लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि हमारा भी GIC का एग्ज़ाम है, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम आपको एक एक चैप्टर कराएं। बाकी तो हम पहले करा चुके, सभी वीडियो जो है आपके हमारे चैनल पर मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, आप वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हिंदी भाषा की लिपि है, तो इसका ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका C सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, इसका ऑप्शन जो है C सही हो जाएगा, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, इसका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो है C सही हो जाएगा, भाषा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भाषा का अंग नहीं है, शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख, तो इसका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा, लेख। नेक्स्ट देखिए, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव, वाक्य, इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा, ध्वनि चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह, वाक्य, इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा, ध्वनि चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, शौरसेनी, मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश, तो इसका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा, अपभ्रंश। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु, अपभ्रंश, इसका ऑप्शन जो है A सही हो जाएगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट देखिए, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया, दीतवत, मूल, एकल, संयुक्त, इसका ऑप्शन जो है A सही हो जाएगा, दीतवत। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, साहित्यक भाषा, प्रांजल भाषा,
व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानक भाषा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकसाली, पश्चिमी, मानक, आम फैम। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, मानक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। डैश शब्द का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका 15 का ए सही हो जाएगा, नासिक के। क्वेश्चन नंबर 16। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 343। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, 14 सितंबर। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट देखिए, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अपभ्रंश भाषा के विकास इससे हुआ है, ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से, संस्कृत से। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, प्राकृत से। देखिए हमारा डिजी लॉकर अकाउंट है, यहाँ पर देखिए इशू डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे सी टेट की मार्कशीट है जो अब तक डिजी लॉकर में आई है, अब तक जितनी बार भी 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है 8 मार्कशीट हमारे डिजी लॉकर में है। अब तक जितनी बार भी सी टेट हुआ है लगभग सभी बार क्वालिफाई है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।